आई होप आप लोगों ने नारुतो एनिमे सीरीज को देख रखा होगा, अगर देख भी नहीं रखा होगा एटलीस्ट उसके बारे में सुन रखा होगा, इसके एनिमे कैरेक्टर के बारे में आप जानते होंगे। अब आप सोच रहे हो कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार मैं इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताने वाला ये चक्रा क्या होते हैं, जुत्सु कितने टाइप के होते हैं। आई एम हियर जस्ट फॉर रिव्यू अ मूवी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नारुतो मूवी निंजा क्लैश इन द लैंड ऑफ स्नो, इस मूवी के बारे में जो 2004 के अंदर आई थी। तकरीबन ये 1 घंटे 22 मिनट लंबी मूवी है। क्या तुम लोगों को पता है कि नारुतो को आवाज किसने दी थी? एक लड़की ने दी थी, ना कि एक लड़के ने। बट हम जब उसकी आवाज सुनते हैं तो लगता है कि एक लड़का बोल रहा है। और ये बात मुझे तब पता चली जब मैं ये मूवी देख कर रहा था और इसके बारे में जब मैंने सर्च किया तब वहां पर निकल के आई एक लड़की जिसने नारुतो कैरेक्टर को अपनी आवाज दी थी। इससे नारुतो एनिमे सीरीज को देखने के बहुत सारे फायदे हैं। ये इंसान अपनी ओड सिचुएशन से लड़कर होकागे बनता है। अब होकागे क्या होता है? होकागे का मतलब ऐसे समझो कि ये सबका मुखिया होता है एक तरीके से। अब इससे ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। इसकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन इस इंसान ने कभी हार मानना नहीं सीखा। नारुतो जब पैदा हुआ था तो उसके शरीर में 9 टेल फोक्स को कैद कर दिया गया था। अब इस कारण लोग जो है उससे डरते थे, उससे नफरत भी करते थे, उसके पास नहीं आ जाते थे। मतलब ये बचपन से बिल्कुल अकेला रहा। बावजूद इसके भी ये इंसान बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहा और होकागे बन के सब लोगों को मतलब अपनी काबिलियत साबित की। खैर मैं अब इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ कि नारुतो एनिमे और क्या होता है, मतलब सिर्फ ऊपर से आप लोगों को पता है। अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। ये मूवी कुछ एक एपिसोड, मतलब कि नारुतो एनिमे सीरीज जब स्टार्ट हुई थी उसके कुछ एक एपिसोड खत्म होने के बाद समझ लो वहां पर एक मूवी बीच में एक तरीके से वहां डाली गई है। इस मूवी में एक प्रिंसेस है, योकी नाम की एक प्रिंसेस है, जो एक एक्ट्रेस भी दिखाई गई है। इसी मूवी के अंदर एक एक्ट्रेस भी है। तो उसकी सुरक्षा के लिए काकाशी, नारुतो, सासुके, साकुरा इन सबको जो है वो काम दिया जाता है कि आप इस प्रिंसेस की रक्षा करिए। वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग इसको मारना चाहते थे। अब योकी को अपने ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि अपने लोगों की, अपनी जमीन की रक्षा कर सकती है। और अब देखने वाली बात ये होती है कि नारुतो जो है वो इसको कॉन्फिडेंस कैसे दिलाता है, इसको अपने ऊपर यकीन दिलाने वो कैसे मदद करता है, और योकी कैसे अपनी जमीन, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए सामने आती है, मतलब जो विलन होता है उससे लड़ती है। अब इन सब चीजों के लिए तो देखो आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो अब बात करें कि मूवी कितनी इंटरेस्टिंग है या नहीं, इन सब चीजों के बारे में। तो देखो मुझे लगता है कि यार मूवी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, इसकी कहानी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है कि हमें बांध कर रख पाए। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनिमे ये सीरीज खराब है, एनिमे सीरीज तो बहुत ज्यादा अच्छी है। कुछ एक मूवीज फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ड्रैगन बॉल जी के बारे में कहा था, वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी। बट ये मैं कह रहा हूँ कि ये मतलब यही सेम चीज जो है वो एनिमे इस नारुतो मूवी में भी लागू होती है। कहीं कहीं तो इस मूवी के अंदर नारुतो की बातें सुनकर, उसका जोश देखकर आपको गूज़बम्प आ जाएंगे और मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसे ऐसे वो बातें बोलते हैं। और कहीं कहीं पर आप लोगों को ऐसा फील होगा कि यार मूवी चल रही है, ठीक है यार, कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा इस चीज से। और अगर इस मूवी में फाइटिंग सीन की बात करूं तो बहुत ज्यादा कम है, और जितने भी फाइटिंग सीन इसके अंदर दिखाए गए वो मतलब इतने इंटरेस्टिंग नहीं है। नारुतो एनिमे को आप जानते हो जो इसके अंदर फाइटिंग होते हैं वो बहुत कमाल की होती है, जानदार, शानदार, बहुत जबरदस्त फाइटिंग होती है। तो मैं कुल मिलाकर ये कहूंगा कि ये एनिमे जो है, मतलब एनिमे सीरीज नहीं, ये मूवी जो है आप वन टाइम वॉच के ही लायक है। इस मूवी के अंदर आप लोगों को 9 टेल फोक्स की थोड़ी बहुत झलक देखने को मिल जाएगी, उसकी पावर भी थोड़ी बहुत आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ये मूवी कोई इतनी इमोशनल भी नहीं है, मतलब इतनी क्या, मतलब बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को आपकी ऑड सिचुएशन से लड़ने के लिए आपको प्रेरित जरूर करती है। और ये नारुतो की केवल अकेली मूवी नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी मूवीज हैं। जब मैं उनको देख लूंगा तो उनका रिव्यू लेकर आप लोगों के सामने प्रकट हो जाऊंगा। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 5/10 स्टार। और स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा था, अगर आप लोगों ने इस एनिमे सीरीज को देख रखा है तब भी ये वीडियो देखना, और जो ये बात नहीं माने और अभी तक वो डटे हुए हैं तो मैं उनको कहूंगा कि यार प्लीज ये मूवी देख लेना। इससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि ये जो एनिमे सीरीज है वो कितनी ज्यादा कमाल की है। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।